So I would like to share with you the participation of sin. Sin में आप लोगों ने एक 124 मैनेजर एंड अबव ने पार्टिसिपेट किया था इस मैनेजर सेमिनार. इस साल आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है. कितनी बढ़ी है? 100. So let's see the number. 234. बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से. ऑलमोस्ट डबल नंबर. A big congratulations to you. Thank you so much for your hard work. इसके साथ हमारे पास एक और नंबर है. नवंबर के महीने में बहुत से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्माइलिंग किस्म के मेरे जैसे लोग जिनकी बर्थडे नवंबर में, आई एम वन ऑफ देम. ठीक है, तो हमारे पास हमारे डेटा के मुताबिक आज आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बर्थडे है और उनका नंबर है अराउंड 14. तो कितने लोग ऐसे हैं जो नवंबर में अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर चुके हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं? कैन यू प्लीज स्टैंड अप ऑन योर फीट. सो हैप्पी बर्थडे टू यू. अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे इन नवंबर. अ बिग हैप्पी बर्थडे टू यू. ये मुझे इसलिए याद रह गया कि मेरी भी बर्थडे नवंबर में है. जस्ट जोकिंग. सो लेट्स मूव टू द नंबर. क्या फीलिंग्स है आपकी? हाउ वाज 2017? व्हाट डू यू थिंक? क्या हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया? क्या हमारे नंबर सो एंड सो हैं? अमेजिंग. So let's see how we performed in 2017. 2016 के end में we achieved the sale of 405 billion rupees. और 2017 में माशाल्लाह से we are going to achieve sale of 465 billion. सेल्फोर्स, क्या आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्रूट किए? क्या बहुत ज्यादा बैग्स इकट्ठे किए? सो आपकी सेल्फोर्स बड़ी के कम हुई? बड़ी. सो सेल्फोर्स पे हम क्लोज करेंगे 10,401 सेल्फोर्स. यस, वी सी अ लिटिल बिट चैलेंज, बट समथिंग हैपेंड इन जुलाई. Something really happened in July. और माशाल्लाह से you have started to take off again. और आप वापस ट्रैक पे आ रहे हैं. और नवंबर के महीने में इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंथली सेल फोर्स हाईएस्ट एवर सेल फोर्स क्लोज करेंगे जो टच करेगी 12,000 नंबर्स को. बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू वंस अगेन. बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. ये सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है. कितना पैसा कमाया? लास्ट ईयर हमने आपको तकरीबन 9 करोड़ रुपए की कमीशन पे की थी. इस साल बढ़ी है, कम हुई है या उतनी ही रही है? बढ़ी है. कितनी बढ़ी है? तो मैं दिखा रहा हूं ना. सो इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड पे आप टोटल नंबर ऑफ कमीशन जो अर्न करेंगे इंक्लूडिंग योर कैश अवार्ड दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 12 करोड़ रुपए. 12 करोड़ रुपए. वेरी इंकरेजिंग नंबर माशाल्लाह से. ओके, ये तो थे नंबर्स. अब थोड़ी सी मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होगी टू हेल्प मी आउट फाइंड आउट अबाउट जोड़ी अबाउट अ स्टोरी. दिस इज अ स्टोरी. पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ.
आपने इसका नतीजा अक्स करके बताना है व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टोरी इज। इसमें क्या हो रहा है, क्या अक्स करते हैं इस पिक्चर को देखने के बाद? एनीबॉडी? माइक प्लीज, माइक इधर ले। अच्छा वक्त ही रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा जी, दोबारा से ठीक है। यू आर परफेक्टली राइट। इसमें सीजन तो लिखे में इसमें अगर नहीं देखे अक्सर हम फल भी लगता है हमारे बिजनेस अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है, तो उसमें हमें उदास नहीं होना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए। बिजनेस अच्छा भी होता है, बिजनेस बुरा भी होता है, वक्त का इंतजार करना चाहिए। तो चेंज आ रही है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? यस यस, अप डाउन जाते हैं। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। कोई एक और साहब अगर वो भी पीछे ले, एक एक पीछे वाले को चांस देना। इसके अंदर एक और चीज भी हमें नजर आती है कि हमें हर सीजन में हर चीज अवेलेबल है थ्रू ओरिफ्लेम। हर सीजन में हर चीज अवेलेबल है थ्रू ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स के हवाले से। व्हाट अ पॉजिटिव थिंकिंग, अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉड फॉर मिस जी। तो बेसिकली किसी का भी कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है इसमें। हर बंदा किसी भी पिक्चर को, किसी भी सिचुएशन को अपने माइंडसेट के हिसाब से देखते हैं। शहीद ने कहा कि चेंज है, उदीम ने कहा कि एक प्रोग्रेशन हो रही है, एक चीज़ दूसरी तरफ बढ़ रही है, एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरह से इसके बारे में क्या ख्याल है? This is another story. भीड़ चल। आप क्या देख रहे हैं इससे, क्या आस कर रहे हैं? Evolution, very nice. जी। I think change our life, lifestyle change कर रहे हैं हम। Change कौन बोल रहा है? Please. जी। अच्छा, okay, alright, very nice. और जी। Improvement. Improvement. आप सब लोगों ने एग्जैक्टली करेक्ट वे में इसको रीड किया और इसका नतीजा किया। सो बेसिकली चेंज इज हैपनिंग, एवोल्यूशन इज हैपनिंग, दिस हैपेंस इन नेचर, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लाइफ के किसी भी फोरम पे चेंज इज नेसेसरी। इवन नेचर चेंज को इवॉल्व करती है। एक ट्री पूरे साल में चेंज को लेके आता है, उस पर डिफरेंट फेजेज आते हैं, डिफरेंट चीज़ों को वो लेके चलते हैं। सर्दी आती है, गर्मी आती है, बट वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, दे चेंज देमसेल्व्स और उसके नतीजा अच्छा निकलता है। ह्यूमन बींग चेंज हुआ, आज हम माशाल्लाह से अशरफुल मखलूकात में हैं। एक फ्रूट ट्री जब चेंज होता है, ठंड होती है, उसके बाद जब होता है तो फ्रूट भी देता है। सो दिस इज ऑल चेंज हैपनिंग। सेम अप्लाइज इन अवर लाइफ, इन अवर बिजनेसेज, इन अवर पर्सनल डिसीजन। चेंज इज नेसेसरी, चेंज इज मैंडेटरी। और अगर वो लोग जो चेंज को इवॉल्व नहीं कर पाते, चेंज के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, वो चेंजेस जो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस आ रही होती हैं, उनका नाम फिर सिर्फ बुक्स में रह जाता है। वो सिर्फ फिर म्यूजियम में उनको स्केलेटन शेप में, उनको एक हिस्टोरिकल वे में आप देख रहे होते हैं। डायनासोर आज से हज़ारों साल पहले इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड थे, लेकिन आज उनमें से बहुत ना होने के बराबर, बल्कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, बल्कि म्यूजियम्स में ढांचों की शक्ल में खड़े हुए हैं। ऑन द अदर हैंड, बाकी मेमल जो इनके साथ थे, आज वो सब आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया।
वो चेंज जो नेचर ला रही थी उन्होंने उसको इवॉल्व किया, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट किया। क्या चेंज? बहुत इजी है। डू यू थिंक चेंज इज वेरी इजी? यस और नो? नो। क्यों? स्ट्रगल चाहिए। सबसे पहला फैक्टर जो आपको चेंज होने से रोकता है वो होता है डर, खौफ, फियर। अगर मैंने अपने आप को चेंज किया तो ये ना हो जाए, अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो ऐसे ना हो जाए, अगर मैंने 3 रिक्रूट के लिए मैं निकला मुझे नो मिली तो क्या फायदा, कल भी गया था आज नहीं जाऊंगा। और ये खौफ हमें पुश करता है हमारे कंफर्ट जोन की तरफ। ताहिर सुबह ना उठो, आराम से उठा, कल भी गया था 3 रिक्रूटों के लिए, लोगों को अप्रोच किया, वहां पे पहुंचा, मीटिंग की, उनको सब कुछ बताया, एक भी रिक्रूट नहीं हुआ, क्या फायदा जाने का। आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखेगा, आपको वहां से निकलने नहीं देगा, वो खौफ आप पे तारी रहेगा। बट वो लोग जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, चेंज को लेके चलते हैं, वो जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी करते हैं। हमारे इस हॉल में इस वक्त ऐसे लीडर जो कि डेली रिस्क लेते हैं। सबसे पहला काम आपको रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क हमेशा डराता है, रिस्क हमेशा आपको पीछे पुश करता है, रिस्क हमेशा आपको ऐसे ख्यालात से दो चार करता है जिससे आपको फेलियर का डर होता है, और फिर हम उसी हसार में रहते हैं, उसी हसार में हम बैठे होते हैं, और उसी हसार में हम अपनी जिंदगी एक डगर पे गुजार रहे होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको डर लगता है चेंज से? आप में से करें प्लीज सी हैंड्स। सबसे ज्यादा मैं डरता हूं, सो प्लीज बी करेजियस। कितने ऐसे लोग हैं जो कोई भी चीज चेंज करते हैं उनको डर लगता है, उनको फेलियर का खौफ होता है कि ये मैं करूंगी या करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। सारे ओरिफेमियन है, बहुत कम लोग, बहुत कम हाथ खड़े हुए। सो सो बेसिकली जो जो सबसे मेजर चीज जो आपको पीछे पुश करती है वो यही है। और वो लोग जो इस चीज को पीछे रखते हुए रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेके सिर्फ 2 स्टेप उनको करने हैं, दीज आर वेरी इजी स्टेप्स। जो काम हमने आज हमने सुबह आना था मैनेजर सेमिनार में, अगर हम 12 बजे उठते हैं, हम आज 8 बजे उठते हैं, हम 7 बजे उठे हैं क्योंकि हमने रिस्क लिया, अपनी नींद को खराब किया क्योंकि हम ये करना चाहते थे। सो आपने क्या किया? सबसे पहले सेल्फ बिलीव था, आपने ये सोचा मैंने इस मैनेजर सेमिनार में जाना है। और नंबर 2 रिस्क लिया, आपने नींद को सेक्रीफाइस किया और इनिशिएटिव लिया कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूं। सो सेल्फ बिलीव एंड इनिशिएटिव। जब भी आपको कोई चीज डराए इमीडिएटली ये 2 स्टेप उठा ले, देखा जाएगा क्या होगा। अगर ना करने से आप फेल होंगे तो करने से भी फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बट उसमें ज्यादा चांसेस आपके सक्सेस के। और ये मैं हजारों साल जो पुरानी बात कर रहा हूँ, ये हजारों साल पहले से नहीं, पहले नहीं हुई थी, आज ही होता है। आज से कोई 10-15-18 साल पहले ये वाला फोन था, नोकिया 3310 जिसको 3310 बोलते थे। हर बंदे के हाथ में ये वाला सेट, हर बंदा इसको कैरी करके अपने साथ लेके जा रहा था और प्राउडली दिखाता था, दिस इज द, ये सॉलिड सेट है, इस सेट में आवाज़ बहुत अच्छी आती है, इतनी तारीफों के बोल। आज किसके पास, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास नोकिया 3310 है? आज भी एक है, वेरी सरप्राइज, दिस इज वेरी सरप्राइज। बट एग्जैक्टली यहां पे क्या चेंज हो रहा था, इस एरा में क्या चेंज हुई? इस एरा में सैमसंग, आईफोन, इन लोगों ने चेंज के लिए काम किया, एंड्रॉयड डेवलप कर रहे थे, एप्पल ऐप्स डेवलप कर रहे थे, और उन एप्पल ऐप्स को डेवलप करके मार्केट को इस तरह से चेंज किया कि 3,000 रुपए वाले सेट से आज हम 50,000, 80,000, 1,00,000 रुपए तक के सेट को भी अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। और मेजॉरिटी लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 1,00,000 रुपया आज से 15 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी समझी जाती थी एक फोन सेट में इन्वेस्ट करने में। बट दिस वट चेंज रिजल्ट है,
चेंज इस तरह की चीज़ें लाती है, बट एट द सेम टाइम नोकिया डिड नॉट चेंज, उनको प्राउड था हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत से लोग हमारे फ़ोन को यूज़ करते हैं और हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। लेट एप्पल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, सैमसंग को करने दो जो कर रहा है। बट दिस हैपन्ड, चंद साल पहले नोकिया बंद हो गया, नोकिया बेसिकली क्लोज देयर बिजनेस, मोबाइल का बिजनेस ही बंद कर दिया उन्होंने। क्यों? कि उन्होंने चेंज के साथ अपने आप को राइट टाइम पे चेंज नहीं किया। और एट द एंड ये उनके सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि वी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी लॉस्ट, आई थिंक दे डिड रॉन्ग। उन्होंने उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया एंड एट दैट एंड नोकिया लॉस्ट एंड टुडे नोकिया इज नो मोर इन मोबाइल बिजनेस। हजारों लाखों लोगों में शायद चंद लोग होंगे जो कि आज नोकिया कैरी करते हैं। सो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। अगर हम वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो देन वी आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। एक चीज में और मेरी हेल्प कीजिए, इस पिक्चर को देखिए और अपना व्यू दीजिए कि एग्जैक्टली ये इमेज, ये पिक्चर किस चीज की है। जी सॉरी, वॉज टू फेसिंग, कोई और सॉरी थ्री फेसेस, टू फेसेस। जी महारानी, इस इमेज के बारे में बताएंगे? मेरे ख्याल में ये एक यंग मॉडर्न खातून की तस्वीर है। सॉरी लेडी, एक लेडी, क्या एज होगी उनकी? वेयर समथिंग जस्ट लाइक विद अ फेदर। एज क्या होगी आपके ख्याल में? लड़की है, एज अराउंड इनकी 20 to 25। जी कोई और, एक कोई और साहब, सॉरी 90 अबव, टू फेसेस। ठीक है, सो राइट अगेन, सबका परसेप्शन ठीक है, हर बंदा अपने हिसाब से उसको बिल्कुल ठीक दे रहा है, बट एक ही कंपनी में काम करने वाले लोग, एक ही डेजिग्नेशन के लोग, एक कह रहे हैं 90 इयर्स की खातून है, दूसरी कह रही है 20 से 25 साल की खातून है। दिस एग्जैक्टली हैपन्स इन अवर लाइफ। जैसे हम चीज़ों को देखते हैं हमें चीज़ें वैसे नजर आना शुरू हो जाती हैं। अगर हमने एक बैग को देख लिया और वो दिल को लग गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। टीम ने भी तबाही मचा देनी है, आप लोगों ने भी तबाही मचा देनी, बट एक चीज़ को अगर देख के आपको वो बुरी लग गई, आपके चेहरे से नजर आता है, यू डोंट लाइक दैट। सो जिस तरह से आप चीज़ को अपनी लाइफ में देखेंगे, एक ही पिक्चर, एक ही तरह के लोग, एक ही माइंडसेट, बट परसेप्शन डिफरेंट है, पैराडाइम डिफरेंट है। एक पिक्चर को एक साहब कह रहे हैं कि ये 25 साल की है, एट द सेम टाइम दूसरे साहब कह रहे हैं 90 साल की है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अवर लाइफ। एक शू कंपनी थी, उन्होंने अपना एक सेल्स पर्सन एक आइलैंड पे भेजा और आइलैंड पे भेज के उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आज तक कोई शिपमेंट ही गई, हमारी सेल भी थोड़ी सी डाउन है, तो सेल को प्रमोट करो। सेल्स का पर्सन चला गया, वहाँ पे गया, जाके वहाँ पे उसने सर्वे शुरू किया। एट द सेम टाइम एक और कंपनी जो उसका कॉम्पिटिशन था, उन्होंने भी एक सेल के पर्सन को भिजवाया वहाँ पे और उसको भी जाके देखा कि वहाँ पे देखो, पहले सेल पर्सन किया तो उसने देखा कि आइलैंड पे तो कोई जूता ही नहीं पहना हुआ, सब नंगे बहुत मिल रहे हैं। उसने कहा वो इधर तो जूता ही कोई नहीं पहना हुआ, तो मैं क्या करने आ गया उस यहाँ पे। उसने फौरन बॉस को फ़ोन किया, बॉस यहाँ पे तो किसी बंदे ने जूता ही नहीं पहना हुआ और मैं वापस आ रहा। एक घंटे बाद दूसरे सेल्स पर्सन ने फ़ोन किया, उसने कहा बॉस यहाँ पे सब लोग नंगे पाँव हैं, 10,000 शूज और पेयर ऑफ शूज़ मुझे भिजवा दो, मैं यहाँ पे 10,000 पेयर ऑफ शूज़ बेचने वाला हूँ। एक सिचुएशन, एक आइलैंड, एक रिक्वायरमेंट, दो लोग डिफरेंटली यूज कर रहे हैं। जैसे आप अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में यूज कर लेंगे,
ویسے ہی آپ کو رزلٹ آ جائیں گے. اگر آپ کی پرسیپشن پازیٹیو ہوگی, اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ ویز ہوں گے چیزیں اپرچونیٹیز کو ڈھونڈنے میں, آپ اپنے بزنس کو بہت اچھا گرو کر لیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کہیں گے, اگر آپ بیگ دیکھیں گے, پروڈکٹ دیکھیں گے, آپ کو خود ہی پسند نہیں ہے, آپ آگے پروموٹ کر ہی نہیں سکتے. وہ کانفیڈینس آپ میں آ ہی نہیں سکتا. گاڑی آتی ہے, نوویج سیٹ آتا ہے ساتھ, سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں, اور دڑا دڑ گھڑی بھی جا رہی ہے, نوویج سیٹ بھی جا رہی ہے. کیوں؟ کمفرٹ زون میں ہے. گھڑی دکھائیں گے, نوویج سیٹ نہیں چل رہا ہے. گھڑی ہمارا مین بزنس ڈرائیور کیا ہے آپ کے خیال میں؟ وٹ از اوور مین, جس کی بیس پہ ہمارا بزنس ڈرائیو ہو رہا ہے. اونچا بولیے, پروڈکٹ. گھڑی نہیں ہے آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی ایکسلنٹ پروڈکٹس ہیں, بیگز نہیں ہیں. جیسے سچویشن کو دیکھیں گے ویسے سچویشن آپ کے لیے اپرچونیٹیز کو کریٹ کر دے گی, باٹل نیکس کو کریٹ کر دے گی, اینڈ سو آن. سو آر وی گوئنگ ٹو چینج؟ آر وی گوئنگ ٹو چینج اوور پرسپشن؟ آر وی گوئنگ ٹو گو اینڈ ہنٹ فار دی اپرچونیٹیز ان دی مارکیٹ؟ Are you ready? Yes. Are you sure? Yes. Okay. میرے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ویڈیو میسج ہے. یہ ویڈیو میسج میں آپ کو ایکسپلین اس لیے نہیں کر رہا کہ اس ویڈیو میسج کو میں اپنے ساتھ کیری کرتا ہوں, اور ڈیلی بیسس پہ جب بھی میری لائف میں ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ مجھے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, میں اس ویڈیو میسج کو دیکھتا ہوں. اور اس اپرچونیٹی کو یوز کرتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ یہ میسج میں آپ تک بھی پہنچاؤں, ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑی سی انسپریشن ہو جائے. سو پلیز واچ دس ویڈیو میسج. Chase your dreams no matter what. If you have a weak mindset,
too afraid of taking risks, you will never get far in life. You will never get that dream with the weak mindset. Create a mindset that keeps you moving even when others quit. Life is unpredictable. It's full of surprises. You might be closer than you think. Your dream can become a reality if you refuse to quit. Be like a lion. Never back down from the challenges you face. A lion never stops chasing his prey until it catches him. You never stop chasing your dream until you live it. Dream big and never let small minds convince you that your goal is out of reach. It may be out of reach for them, but you know better. Believe in yourself. If you are in the way of my goals and dreams, I suggest you move.